ॐ शांति सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आपका आज के इस सत्र में जो हम रेसिपी फॉर क्वालिटी लाइफ के लिए हम डिस्कशन करेंगे, रेसिपी फॉर क्वालिटी लाइफ, उसके लिए मैंने कोशिश की है, स्लाइड्स वगैरह बनाई हैं, कुछ कल कंप्लीट करेंगे और अभी हम मेडिटेशन करेंगे रोज की तरह। हम जानते हैं कि योग की पहली स्टेज है इनिशिएशन, दूसरी है कंटेम्पलेशन, तीसरी है कंसंट्रेशन और चौथी है अब्जॉर्प्शन इन मेडिटेशन। तो इनिशिएशन में हम अपना चारों तरफ से मन बुद्धि को हटाकर अपने आप में लौटते हैं, अपनी भ्रिकुटी में वापस आते हैं, अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। जो वृत्तियां बाहर फैली हुई हैं उनको संकुचित कर लेते हैं, विस्तार को संकीर्ण कर लेते हैं, समेट लेते हैं, खुद को अपने पास आ जाते हैं। कहीं भी और ध्यान नहीं होता, अपने पास बैठ जाते हैं आके। उसके बाद कंटेम्पलेशन में आत्मचिंतन शुरू होता है, मैं कौन, मेरा कौन, मैं परमपिता परमात्मा की संतान, वो ऊंचे तो ऊंचा परमेश्वर, मुझे उसके साथ जुड़ना है, मैं बिछड़ा हुआ हूँ जन्म जन्मांतर से, बहुत तीर्थ यात्राएं की, बहुत मंत्र जाप किए, यज्ञ किए, हवन किए, गंगा स्नान किए, फिर भी बात नहीं बनी, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ, गॉड रियलाइजेशन नहीं हुआ। अब स्वयं परमात्मा आके हमें गाइड कर रहे हैं, शिव बाबा आके हमें गाइड कर रहे हैं, हमें सहज राजयोग सिखा रहे हैं शिव बाबा। सहज राजयोग क्या होता है, हाउ टू कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उस परम चेतना से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये कनेक्टिविटी हम यहाँ सीखते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म वाइब्स काम करती हैं, वाइब्रेशंस, थॉट वाइब्रेशंस से हम पॉजिटिव थिंकिंग से, स्वरूप चिंतन से, अपने आप में लौटने से, आत्म चिंतन करने से हम और परमात्म चिंतन करने से हम धीरे धीरे परमात्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं, हम परम धाम पहुंच जाते हैं। फिर हमारा मन ठहर जाता है, जैसे मधुमक्खी अथवा भंवरा फूल के ऊपर बैठ जाता है और उसका पराग रस लेने लगता है, ऐसे आत्मा परमात्मा से शक्तियां डिराइव करने लगती है, आनंद डिराइव करने लगते हैं, खुशियां डिराइव करने लगते हैं। तो उसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन एकाग्र हो जाता है। जब किसी भी चीज में रस आता है, आत्म रस, परमात्म रस, राम रस, राम रस पियो रे, खुशी खुशी जियो रे। तो जब हम राम रस, आत्म रस पीने लगते हैं तो
तो मन एकाग्र हो जाता है, मन ठहर जाता है, मन रुक जाता है और फिर अब्जॉर्प्शन की स्थिति आती है जिसको लवलीन अवस्था कहते हैं। हम लव में लीन हो जाते हैं, परमात्मा के स्नेह में खो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, दूरियां समाप्त हो जाती है, एकत्व बोध होने लगता है, लवलीन अवस्था आ जाती है। तो अभी हम सब मेडिटेशन में बैठेंगे, पहले हम भ्रिकुटी में आ जाएं, यहाँ पर अपने ध्यान लगाएं भ्रिकुटी में। ऐसे समझो मुझे यहाँ आत्म बिंदी लगी हुई है, अविनाशी बिंदी लगी हुई है, ऐसी बिंदी जो कभी मिटती नहीं है, डिवाइन लाइट की बिंदी मेरे मस्तक में रोशनी चमक रही है, डिवाइन लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट, ईशो अणुर आत्मा। शास्त्रों में लिखा है ये आत्मा अणुरूप है, एटम से भी सूक्ष्म है, बाल की नोक के हजार हिस्से करें, उसके हजार हिस्से करें, उससे भी सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म मैं आत्मा हूँ। तो उसमें आए, मैं इतना बड़ा शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो यहीं रह जाता है, चींटी से लेके कुंचर मैंने हाथी तक सब में ये सूक्ष्म आत्मा है, आत्मा बिंदु रूप है, अणु रूप है। तो हम उस अणु रूप में स्थित हों, भ्रिकुटी में आ जाएं और अपने स्वरूप का चिंतन करें। मेरा स्वधर्म, मेरा स्वरूप शांति है। आई एम ए पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस पीनियल, इन सब से आत्मा का क्लोज रिलेशनशिप है। मन शांत हो गया, आत्मा शांत हो गई, तो सभी हार्मोन्स बैलेंस सीक्रेट होते हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। रिलैक्स योर सेल्फ, शांत मन, शांत बुद्धि, शांत मस्तिष्क, शांत हृदय, शांत बॉडी ऑर्गन्स, शांत चेहरा, आंखें, सब रिलैक्स। कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। मैं आत्मा बेगमपुर का बादशाह हूँ, जहाँ कोई गम नहीं। अपने को ऐसे अनुभव करो कि मैं बेगमपुर का बादशाह हूँ, जहाँ कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, बस जहाँ आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा तन भी शांत, मन भी शांत, आत्मा शांत, कहीं कोई हलचल नहीं, मन अमन हो गया, मन सुमन हो गया, मेरा मन ठहर गया है, मेरा मन सब चिंताओं से मुक्त हो गया है, सब बंधनों से मुक्त, बंधन मुक्त, शक्ति युक्त,
मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूँ, मैं अणु स्वरूप आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे मस्तक में अविनाशी बिंदी लगी हुई है, आई एम एन इटर्नल सोल, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मेरी मृत्यु कभी नहीं होती, मैं अकाल मूरत आत्मा हूँ, मैं निर्भय आत्मा हूँ, आई एम डेथलेस, आई एम इटर्नल। परमपिता परमात्मा की हम सब पर बहुत कृपा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसे समझो हम सबके सिर के ऊपर परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप सूर्य के समान आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात परमपिता परमात्मा की किरणें हम सब पर पड़ रही हैं। अपने हृदय में प्रभु प्रेम भर लो। मैं आत्मा भी दिव्य प्रकाश हूँ, परमात्मा भी दिव्य प्रकाश ज्योतिर्लिंगम शिव, जिसकी राम और कृष्ण भी पूजा करते। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा की लाइट और माइट मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्म सशक्तिकरण का अनुभव कर रहा हूँ, शांति का अनुभव कर रहा हूँ। शांति के सागर की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मेरा तन मन शांत हो रहा है, मेरा तन मन शक्ति से भर रहा है। जैसे सूर्य से किरणें आती हैं और सब अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे मन का अंधकार दूर हो रहा है। भीतर रोशनी ही रोशनी है, तन मन रोशनी से भरा हुआ है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। परमपिता परमात्मा की हम सब पर बहुत कृपा है। बी थैंकफुल टू गॉड, गॉड फादर शिवा, उनकी हम सब पर बहुत कृपा है। हमें गाइडेंस मिल रही है, गॉड इज माय गाइड।
जिंदगी बहुत हसीन बन गई है। परमात्म कृपा से, परमात्मा के आशीर्वाद से, परमपिता परमात्मा के, जिंदगी बहुत खूबसूरत बन गई है। मन से बाबा का धन्यवाद करो। अभी हम यश जी को निवेदन करते हैं कि वो आए और हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुनाएं। यश जी, ओम शांति। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले, सबका बोझ उठाने वाले, तेरा भी बोझ उठा लेंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। प्रभु को जिसने साथी माना, समझो उसने प्रभु को जाना। मुश्किल नहीं है उसको कुछ भी, शेष नहीं कुछ उसको पाना। भर के उमंगों से हाथ उठा ले, भर के उमंगों से हाथ उठा ले, प्रभु कंधों पे बिठा लेंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। मन से मन के तार मिला, आशाओं के फूल खिला। याद न कर जो बीत चला, शुभ संकल्पों के दीप जला, शुभ संकल्पों के दीप जला। तन के भान में न तुम आओ, तन के भान में न तुम आओ, प्रभु नैया पार लगा देंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सोच न कर तू, शोक न कर तू, रेती के घरोंदों की खातिर, व्यर्थ गवाना अनमोल आंसू, माटी के खिलौनों की खातिर, मैं और मेरा त्याग जरा तू, मैं और मेरा त्याग जरा तू,
वो सो भाग्य जगा देंगे। अहिम्मत का एक कदम बढ़ा प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले, सबका बोझ उठाने वाले, तेरा भी बोझ उठा देंगे। अहिम्मत का एक कदम बढ़ा प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। ओम शांति। बहुत ही सुंदर गीत है। अहिम्मत का एक कदम बढ़ा प्रभु मंजिल तक पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले, तेरा भी बोझ उठा लेंगे, लेकिन एक बार हिम्मत का एक कदम तो बढ़ा। वो तो बाहें फैलाए तेरा युगों युगों से इंतजार कर रहा है। तू ही इधर उधर अपने को बिजी किए हुए है। वो तो पुकार रहा है महाकाल, आवाहन कर रहा है शिव बाबा, मेरे बच्चे अब घर लौटो, सब सोच छोड़ दे, सब फिक्र छोड़ दे, मन से मन का तार मिला के मेरे से जुड़ जा, बेतार का तार। बहुत ही इंस्पिरेशनल सॉन्ग है। अभी हम जो प्रेजेंटेशन है आज की करते हैं। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक है रेसिपी फॉर क्वालिटी लाइफ, के जो ये जिंदगी है ये क्वालिटेटिव कैसे हो, क्योंकि जिंदगी में हमारी खोज, हर जगह हम मार्केट में जाते हैं तो हम क्वालिटी ढूंढते हैं, लेकिन जब जिंदगी का सवाल आता है तो वहाँ क्वालिटी भूल जाते हैं। तो हमारी थॉट्स की क्वालिटी, हमारे वर्ड्स की क्वालिटी, स्पीच की क्वालिटी, हमारे एक्शंस की क्वालिटी, उसका ध्यान नहीं हम देते तो हमारी लाइफ भी क्वालिटी लाइफ नहीं होती है। तो उसकी क्या रेसिपी हो सकती है? रेसिपी हम सब जानते हैं क्या होती है, तो हम प्रेजेंट करते हैं रेसिपी फॉर क्वालिटी लाइफ। रेसिपी फॉर क्वालिटी लाइफ, हम सब जानते हैं रेसिपी किसको कहते हैं। रेसिपी जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे हमारी माताएं बहनें घर में कुकिंग करती हैं तो उसकी हमेशा रेसिपी की बात होती है। आजकल कोरोना काल में तो सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की होती है तो इसी चीज की होती है कि इसकी जरा रेसिपी बताना। फोन पे सबसे ज्यादा चर्चा यही चल रही होती है। ये एक समझो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ऐसे ही जिंदगी के लिए भी हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कोड ऑफ कंडक्ट परमपिता परमात्मा हमें देता है कि बच्चे हाउ यू कैन मेक योर लाइफ क्वालिटेटिवली सुपीरियर। तो ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग समथिंग फ्रॉम वेरियस इंग्रेडिएंट्स, तो क्वालिटी लाइफ के भी कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी चर्चा हम आने वाले एक दो दिनों में करेंगे। और पर्पस क्या होता है रेसिपी का, कि हमारे पास प्रिसाइज रिकॉर्ड हो इंग्रेडिएंट्स का कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, फार्मूला क्या है उसका, अमाउंट कितना चाहिए, कौन सा अमाउंट कितना चाहिए, एंड द वे दे आर कम्बाइंड, और किस तरह से कम्बाइन करना है, कितनी देर आग पे रखना है,
धीमी आंच पे कितनी देर रखना है, इस तरह से सारी बात जो है वो कितने मिनट तक रखना है, तो इसी तरह लाइफ के लिए भी चाहिए। तो दूसरा है क्वालिटी, इसमें की वर्ड है क्वालिटी, रेसिपी क्वालिटी एंड लाइफ, देर आर थ्री की वर्ड्स। रेसिपी क्या है, क्वालिटी क्या है, लाइफ क्या है। क्वालिटी है हाउ गुड समथिंग इज कंपेयर टू अदर सिमिलर थिंग्स, हम कहते हैं ये क्वालिटेटिवली सुपीरियर है। जितने भी जैसे NDRI वगैरह में भी जो आइसक्रीम वगैरह बनती, तो सबकी एक क्वालिटी एश्योरेंस लैब होती है। जो मान लो जूते बनाने की कंपनी है, वहाँ पे भी क्वालिटी चेक होती है, जो क्वालिटी में कुछ गड़बड़ होते हैं तो सेकंड्स में उनको बेच देते हैं कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रहा है। तो ये डिग्री ऑफ एक्सेलेंस कितनी है, उसमें हाई स्टैंडर्ड कितना है, किसी का लो स्टैंडर्ड, किसी का मीडियम स्टैंडर्ड, किसी का हाई स्टैंडर्ड। तो जितनी जो चीज़ परफेक्शन के निकट होती है उतनी वो क्वालिटेटिवली सुपीरियर होती है। मिनिमम डिफेक्ट, वैसे कायदे से तो डिफेक्ट इज नॉट अलाउड, फिर भी कुछ परमिसिबल लिमिट्स होती हैं हर चीज़ की। तो क्वालिटी जो है हमें अपने जीवन में भी मैक्सिमम लाने की कोशिश करनी है। लाइफ क्या है, द स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी टू गेट एंड यूज कॉन्शियंट एनर्जी, कॉन्शियंट मैंने चैतन्य ऊर्जा। जिंदगी क्या है, देखो संसार में दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, लाइफ जो है सब्जेक्टिव है, और जो नेचर के हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम जो चेतन ऊर्जा हैं, जड़ और चेतन के बीच, ये शरीर को हम फिर जड़ कहते हैं, और ये जड़ का स्तर थोड़ा सा दूसरा जड़ से ऊपर है, जो बिल्कुल डेड है, निर्जीव है। शरीर तो फिर भी थोड़ा सा इसमें कॉन्शियसनेस है सेल्स के कारण। तो आत्मा की जो ऊर्जा है, स्पिरिचुअल एनर्जी जो है, और फिजिकल एनर्जी और मेटाफिजिकल एनर्जी, नेचुरल एनर्जी, सुपर नेचुरल एनर्जी, ये सारी चीज़ें जीवन में हमें देखनी है, हम जीवंत कितने हैं, हम जिंदा कितने हैं। फिर जो इसमें लाइफ के अंदर जो बायोलॉजिकल लाइफ है, उसमें रिप्रोड्यूस करने की क्षमता है, ग्रो होने की क्षमता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में, हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी कोरोना आया, कितनों को ले गया, क्योंकि यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो जो भी चेंज आती है उसको हम इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे कैसे हैंडल करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ में हमें रोज कोई ना कोई चेंज मिलती है, जैसे किसी की अचानक ट्रांसफर हो जाती है, चेंज हो गया समझो, तो हाउ और ही और शी रिस्पॉन्ड्स टू इट। तो जिंदगी में ऐसे कई परिस्थितियां भी आती हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, हम उनको कैसे फेस करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जिंदगी के अंदर। हाउ वी रिस्पॉन्ड टू चेंज, चेंज एक चैलेंज की तरह कई बार आती है, तो उन चैलेंजेस को हमें फेस करना है, यही जिंदगी है। कौन सुपीरियर है जिंदगी में, जो अधिक से अधिक चेंजेस को बैलेंस ऑफ माइंड खोए बिना झेल जाता है, उसकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है। और जो थोड़ी सी चेंज में ही रोना शुरू कर देता है, वल्नरेबल हो जाता है, उसको हम कहेंगे कि ये जिंदगी को फेस करने की इसमें क्षमता नहीं। तो ऐसे लोग थोड़ा रोते रहते हैं, रोंदू राम टाइप होते हैं। हाउ इज योर लाइफ, लाइफ क्या है वैसे, हम अगर मानवीय स्तर पे देखें, इट इज़ द पीरियड बिटवीन डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ, ये जो अंतराल है जन्म से मृत्यु तक का, इसको हम जीवन कह देते हैं। ये हम जो ऐड ईयर्स को कर रहे हैं हर साल, आर वी एडिंग
ईयर्स टू लाइफ और वी आर एडिंग लाइफ टू ईयर्स, ये हमने देखना है। हर साल एक बढ़ गया, हम सोचते हम बड़े हो गए, या हमारी जिंदगी में जीवंतता ऐड हो रही है, हम जीवंत हो रहे हैं या मरे मरे जी रहे हैं, मुर्दे बन के जी रहे हैं, हमारी लाइफ सोलफुल है या सोल लेस है। वो कहते हैं ना इनके बड़ा सोलफुल रिस्पांस, सोलफुल लाइफ, सोलफुल जीवन, और एक है सोल लेस, जैसे जिंदी लाशें घूम रही। आप चारों तरफ देखो, भाग रहे हैं लोग, दौड़ रहे हैं, पूछो कहाँ जा रहे हो तो कुछ पता नहीं। वो भाग रहा है इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ, लेकिन हमें अपना गोल क्लियर नहीं है। तो रेसिपी फॉर क्वालिटी लाइफ की हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमारी ज़िंदगी में क्वालिटी ऐड हो, हमारी लाइफ सुंदर हो, जीवंत हो, खुशबूदार हो, आनंददायक हो, शांत हो, मौज वाली हो और सबको खुशियां बांटने वाली हो। ऐसी हम क्वालिटी लाइफ की चर्चा इस सत्र में कर रहे हैं, इस टॉपिक में कर रहे हैं। लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। आपके अंदर जितनी झील है, जितना उमंग उत्साह है, जितनी मौज, अपनी लाइफ को फुल जियो। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। बस ये एक पल है मित्र, जो इस क्षण तेरे हाथ में है, अगला क्षण का कोई भरोसा नहीं। हम आदमी हैं एकदमी, मोहलत कड़ी ना एक गुरबाणी कहती है, हम आदमी हैं एकदमी, एक दम पे ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, एक श्वास पे। ना जानो मान न मानी जिंदड़ी दा सा आवे के ना आवे, कोई पता नहीं इसका अगला श्वास आना है नहीं आना है। जो लाखों लोग काल के गाल में, कोरोना काल में समा गए, किसी को पता था कि इतने इतने यंग बच्चे भी चले जाएंगे, किसी को पता नहीं है। तो जितने क्षण हमारे हाथ में हैं वर्तमान, उसको तो फुलेस्ट जिए, खुशियां बांटें, उत्सव से जिए। लेट अस सेलिब्रेट लाइफ, नृत्य करें, परमपिता परमात्मा के साथ नृत्य करें। गोपियां नृत्य करती थी कृष्ण के साथ, हम भी नृत्य करें भगवान के साथ, हम भी मौज में रहें, खुशियों में रहें। लेकिन हमारे जीवन का कोई तो लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि श्वास जा रहे हैं जैसे मीटर चल रहा है बिना मतलब के। मान लो आपका एसी ऑन है, पूरी रात चलता रहा और आप घर पे मान लो थे ही नहीं, तो आप कहोगे मीटर वैसे ही चलता रहा, कुछ यूजफुल तो हुआ नहीं। सब लोग घर पे हों तो हम नहीं कहेंगे ये बात। इसी तरह से ये श्वासों का मीटर निरंतर चल रहा है, अगर हमने इसमें कुछ यूजफुल नहीं किया तो जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी मित्रों। इसलिए लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। आर्नल्ड ग्लासगो ने कहा, इन लाइफ एज इन फुटबॉल, यू वोंट गो फार अनलेस यू नो वेयर द गोल पोस्ट्स आर। अगर आप मैच खेलने जाएं फुटबॉल का और गोल पोस्ट हो ही ना, तो आप कहाँ पहुंचोगे। दो टीमें मान लो खेल रही हैं, गोल पोस्ट है ही नहीं फुटबॉल का मैच, कहाँ गोल करेंगे वो। तो जिनके पास जिंदगी में गोल ही नहीं है, गोल पोस्ट ही नहीं है, तो वो जिंदगी में पहुंचेंगे कहाँ। आज भी आप, मैं कई बार यूथ है ना जो बच्चे, उनसे पूछता हूँ तुम्हारी जिंदगी का क्या लक्ष्य, बच्चे जो है बिल्कुल कन्फ्यूज्ड है।
उनको कुछ पता नहीं, ज्यादा ज्यादा इतना पता है कि नौकरी मिल जाए, किसी भी तरह मिल जाए अपने आप कुछ। कईयों को, बच्चों को ये भी पता नहीं मैं किस चीज में अच्छा हूँ, जैसे माँ बाप कहते हैं वैसे चल पड़ते हैं बेचारे। तो जिंदगी अगर गोल पोस्ट नहीं है, हमारा लक्ष्य बिंदु नहीं है, अगर अर्जुन को मछली की आंख ना दिखाई गई होती तो अर्जुन तीर कहाँ मारता। तो इसलिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज वी मस्ट हैव द गोल पोस्ट, हमारे पास लक्ष्य बिंदु हो। बाबा ने मुरली में कहा बच्चे अगर लक्ष्य ऊंचा होगा तो लक्षण भी ऊंचे होंगे, अगर तुम्हारा लक्ष्य ही कमजोर होगा तो लक्षण अच्छे कहाँ से आएंगे। तो लेट अस हैव हाई एम एंड ऑब्जेक्ट, हाई गोल्स इन आवर लाइफ विच आर क्वालिटेटिव इन नेचर। योर लाइफ इज प्रेशियस, आवर लाइफ इज प्रेशियस, जिंदगी बहुत कीमती है, एक एक श्वास बहुत कीमती है। जब सिकंदर की माँ मर रही थी तो सिकंदर ने जो वैद्य थे, डॉक्टर थे, उनको कहा मैं अपनी माँ से बात करना चाहता हूँ, मेरी माँ मर रही है, मैं तुम्हें आधा जो मैंने राज जो जीता है, विश्व विजयी होकर जो मैंने राज जीता है, मैं आधा राज देता हूँ मेरी माँ से, कुछ श्वास दे के मेरी बात करा दो। उन्होंने कहा आप आधा राज क्या फुल राज दे दें तो भी एक श्वास देना मुश्किल है। तब सिकंदर ने कहा कि जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए मैंने इतने श्वास गुआ दिए, वो सारा राज्य मिलके एक श्वास नहीं दे सकता। यही जीवन का सत्य है, हम कितने श्वास अपना फालतू की एक्टिविटीज में, धन दौलत में, टू मच धन दौलत में गवा देते हैं, लेकिन नेट रिजल्ट क्या है। बाद में जब काल आता है तो इस कोरोना ने हमारे जीवन की वास्तविकता हमें दिखाई, हम अपनों के निकट भी नहीं जा पाए, हम अपनों की अस्थियां भी जल प्रवाह नहीं कर पाए, इससे ज्यादा जीवन की सत्यता और क्या देखना चाहते हैं हम। हमें पता लग गया हम कितने स्वार्थी हैं, जिनके लिए हम कहते हैं हम तो तेरे लिए जीते मरते हैं, हम किसी के लिए जिए मरे नहीं, हम खुद के लिए ही, अरे तुझे कोरोना ना हो जाए, तू ना मर जाए। सब रिश्ते नाते कहाँ चले गए पता ही नहीं लगा, आदमी की असलियत सामने आ गई। तो लाइफ इज वेरी प्रेशियस, फॉर दैट रीजन यू शुडंट वेस्ट इट इन मीडियोक्रिटी। मेजोरिटी दुनिया, मेजोरिटी अराउंड 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज अराउंड एवरेज। संसार में 15% लोग भी सुपरियोरिटी वाले नहीं होते हैं, एज पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स ज्यादातर मीडियोक्रिटी होते हैं, मीडियोकर्स होते हैं, एवरेज होते हैं, जो जिंदगी में एक साधारण जिंदगी जी के पता भी नहीं लगता, आए थे और चले गए। बहुत कम हैं जो विवेकानंद, दयानंद, गुरु नानक देव जी, उंगलियों पे नाम गिनते हैं हम उनके, या कुछ साइंटिस्ट होते हैं या किसी फील्ड के टॉप जो पोजीशन पे पहुंचते हैं, विनर्स होते हैं अपने अपने फील्ड के, वो बहुत रेयर होते हैं। जिन्होंने एक्सेलेंस पाया है, क्वालिटी पाई है जिंदगी में, ज्यादातर तो हम लोग समझौता करने वाले, हर जगह हम लोग क्वालिटी से भी समझौता कर लेते हैं और जिंदगी ऐसे ही चली जाती है। इंस्टेड यू शुड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, हमें अपनी जिंदगी को फुल जीना चाहिए, कोई मौका नहीं गवाना चाहिए सेलिब्रेशन का, आनंद का। भगवान ने हमें यहाँ रोने धोने के लिए नहीं भेजा है, माँ बाप कोई नहीं चाहता कि उसकी संतान रोए धोए, तो वो परम पिता कैसे चाहेगा। जब लौकिक पिता नहीं चाहता मेरी संतान दुखी हो, तो वो परम पिता कैसे चाहेगा मेरी संतान इस धरा पे दुखी होती रहे, तो इसलिए वो कभी नहीं चाहता। लेकिन हम अपने कर्म ऐसे करते हैं उल्टे सुलटे,
जिसके कारण हमें सजाएं भोगनी पड़ती हैं। डोंट लिव लाइक लाइव कॉर्पसेस, जिंदा मुर्दों की तरह मत जियो। मुर्दा लाशें घूम रही हैं, परमात्मा कहता है नहीं, तुम्हारे में आत्मा है, उस आत्मा की शक्ति को जीवंत करो, तुम्हारे में अनंत शक्ति है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। उस डिविनिटी को प्रकट करोगे तो क्वालिटी अपने आप आ जाएगी। और जो अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, पहले तो इससे जान छुड़ाओ, कम आउट ऑफ सेल्फ डिसबिलीफ। अपने ऊपर ही बिलीफ नहीं है, अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, इससे बड़ी ट्रेजिडी दुनिया में कोई हो नहीं सकती। सम पीपल डोंट हैव बिलीफ इन देयर पोटेंशियल एंड थिंक दैट इट इज नॉट पॉसिबल एंड बियॉन्ड देयर रीच, कहते हमारी पहुंच से बाहर है। कॉन्सिक्वेंटली दे डोंट डेयर मेक इट देयर गोल, तो इसलिए गोल भी ऊंचा नहीं रखते, छोटे छोटे गोल रखते हैं। तो टू ओवरकम दिस, इस चीज को अगर हम चाहते हैं कि हम ये जो बैरियर हमने सेल्फ इम्पोज्ड अपने ऊपर बैरियर लगा रखा है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, वो भी तो मनुष्य ही है ना, जो माउंट एवरेस्ट पे बिना टांग के भी चढ़ जाते हैं, नकली टांग लगा के भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, जो 1300 एकड़ जंगल खड़ा कर देते हैं, मैंने उस दिन दिखाया था, जिनको पद्मश्री मिला, तो ये भी तो मनुष्य ही हैं। तो ऐसे अनेक हमें स्टोरीज मिल जाएंगी ग्रेट पीपल, जिन्होंने अपनी जिंदगी अपनी साधना पूरी लगा दी कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए। हमें भी मित्रों अपनी जिंदगी को ग्रेट बनाना है, क्वालिटेटिवली सुपीरियर बनाना है। महान लोगों की कहानियां पढ़नी है। बचपन में हम गुरु नानक देव जी की कथाएं सुनते थे, साखी बोलते थे, साखियां सुना करते थे, मेरी माता सुनाया करती थी। सुनते सुनते हम लोग गुरु नानक देव जी के जो चरित्र थे हम लोग खो जाया करते थे। उसमें बहुत चमत्कारिक बातें होती थी, उन चमत्कारों को विजुलाइज करने लगते थे, उड़ने लग जाते थे हम भी। तो इस तरह से महापुरुषों की जीवनियां पढ़ो। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने जब माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ब्रह्मा कुमारीज का जो हेडक्वार्टर है वहाँ विजिट किया, तो वो हैरान हो गया देख के संस्था को। और सबसे बड़ी उसे हैरानी हुई ब्रह्मा बाबा पे, कि ब्रह्मा बाबा अपने वक्त से कितने आगे थे, कि 1936-37 में उन्होंने ये 4C किया, उनको तो पता नहीं कि शिव बाबा इनके थ्रू एक्ट कर रहे हैं। कहते कमाल के थे ब्रह्मा बाबा, जिस इतने विजनरी कि जिन्होंने नारी शक्ति का सशक्तिकरण इस तरह से किया। वो अब्दुल कलाम जी हमारी बहनों के साथ बैठ के मीटिंग्स किया करते थे, यंग कन्याओं के साथ, और देखते कि थे इनका मेंटल लेवल क्या है, विश्व की समस्याओं के बारे में इनकी आउटलुक क्या है। और वो गदगद हो जाया करते थे कि कमाल है परमपिता परमात्मा की, कमाल है प्रजापिता ब्रह्मा की, जिन्होंने इतनी बढ़िया संस्था बनाई। और ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के पास साथ जो DRDO है उनके साथ लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया ब्रह्मा कुमारीज के साथ, कि कैसे राजयोग मेडिटेशन के द्वारा जीवन में चेंजेस आती हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जैसे डायबिटीज, हार्ट, ये ठीक हो सकती हैं विद मेडिटेशन। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रयोग माउंट आबू में हुआ, 10,000 से ज़्यादा जिनके हार्ट ब्लॉकेज थे, जिनको डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इनकी एंजियोप्लास्टी कराओ या ओपन हार्ट सर्जरी करो, वो सब ठीक हो गए मेडिटेशन के द्वारा, लाइफस्टाइल चेंजेस के द्वारा, फूड हैबिट्स चेंज करने से, एक्सरसाइज करने से। तो मैं कहना चाह रहा था कि विजनरी भी आते हैं। अब अब्दुल कलाम जी हिमसेल्फ वाज ए विजनरी, उन्होंने भी कितना बड़ा योगदान दिया जो एटम बम भारत ने किया था।
पोखरान के अंदर, कीप एक्सपेंडिंग योर हॉरिजन्स बाय इंक्रीजिंग योर नॉलेज बेस। आप अपनी जो सीमाएं हैं उनको बढ़ाते चलो, लेकिन वो कैसे होगा? वो होगा ज्ञान से, समझ से, होश से। तो हमें अपना नॉलेज बेस बढ़ाना होगा, अपना नॉलेज बेस हमें स्ट्रांग करना होगा। जितना जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना उतना अंधकार दूर होगा। तो हमें परमपिता परमात्मा आकर ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं, सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, ताकि वी कैन एक्सपेंड आवर हॉरिजन्स। हम सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड तक न रहें, हम इस संसार से भी परे जो और संसार हैं, सूक्ष्म और मूल, हम उनकी भी बात करते हैं और वैसा अनुभव भी करते हैं। ये साधारण बात नहीं है। तो हमारा हॉरिजन बढ़ जाता है, जिंदगी बहुत सुंदर हो जाती। हम जानते हैं सुंदर पिचाई को, भारत के लिए गौरव की बात है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन एंड इट्स सब्सिडरी गूगल। इन्होंने अगस्त 10, 2015 को सीईओ जो है गूगल के ये बने। तो जो ये भारत में मद्रास के ये थे, मतलब अभी भी जो है लीड कर रहे हैं उसको, और उनका नाम जो टाइम मैगजीन है उसमें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में दो बार आ चुका है, 2016 में और 2020 में। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है। ऐसे कई हमारे भारतीय हैं जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के सीईओ बने हुए। तो ये विजनरी होते हैं, तभी हम ऐसे बन सकते हैं। मेहनत करते हैं अपने साथ। ये खड़गपुर यूनिवर्सिटी से आईआईटी थे, मद्रास में पैदा हुए, आईआईटी खड़गपुर से डिग्री ली मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, फिर यूनाइटेड स्टेट चले गए, वहाँ एमएस किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और फिर एमबीए किया इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से, वेयर ही वॉज नेम्ड ए सेबल स्कॉलर। मतलब जो 29 वहाँ पे जो स्कॉलर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैलिबर वाले, उस लिस्ट में उनका नाम था। तो इस तरह से हम लोग भी अपनी जो एक्सेलेंस है, क्वालिटी है, उसको बाहर ला सकते हैं। परस्यू द पॉसिबिलिटीज। जीवन में संभावनाएं बहुत हैं। जब आपको आत्मविश्वास होगा, सेल्फ में बिलीफ होगा, तो फिर आप कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो फिर होता है कि क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज टू परस्यू दैट पॉसिबिलिटी। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए टेक एक्शन टू मेक द ड्रीम ए रियलिटी। जो आपने स्वप्न देखा है उसको साकार करना होगा, और वो ख्वाबों में नहीं हो जाएगा, वो सिर्फ सोचने मात्र से नहीं हो जाएगा, सपने देखने से नहीं हो जाएगा। उन सपनों को रियलिटी में लाना है तो हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्वालिटी लानी है तो कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। प्रिपेयर फॉर ए मैराथन। तो आपको छोटी यात्रा के लिए तैयार नहीं होना, लंबी दौड़ के लिए तैयार करना है अपने आप को। स्प्रिंट के लिए तैयार नहीं करना जो कुछ सेकंड्स की है, क्योंकि सालों साल लग जाते हैं। कई लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। एक्सेलेंस ऐसे नहीं आ जाती है, बड़ी मेहनत मांगती है, हर पॉइंट पे करेक्शन मांगती है। जो हम भूलें करते हैं उनको, हर मिस्टेक्स हैं जो हमारी, उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना है। कभी अपने आप को गिव अप नहीं करना है। टेक रिस्क, नो सेफ प्ले। फिर हमें जिंदगी में रिस्क भी लेने होंगे, सेफ प्ले से काम नहीं चलेगा। यू कांट गेट द रिजल्ट्स यू वांट इफ यू जस्ट प्ले इट सेफ। यू नीड टू टेक रिस्क, लो रिस्क लो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। लेकिन ये भी याद रखना, कई बार जिंदगी में फेल्योर्स भी आएंगे। हमने तैयारी तो सक्सेस की थी, लेकिन फेल्योर आए, कुछ ऐसी बीच में घटनाएं घट गई, जो चाहा वो हो नहीं सका। तो घबराने की जरूरत नहीं। हमें श्रीमद् भगवत गीता कहती, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा स्मत्त्वम् योगुच्यते।
चाहे सफलता मिले, चाहे असफलता मिले, सक्सेस मिले या फेलियर मिले, इफ यू हैव गिवन योर 100%, तो फिर फेलियर होने के बाद भी मन का संतुलन मत बिगाड़िए। अगर एक दिन मैच में हम लोग हार गए, तो उससे हार से सीख के अगले दिन फिर युद्ध लड़िए। यू शुड बी रेडी टू फेस द वर्स्ट, और होप कभी छोड़नी नहीं है। दैट इज द प्राइस टू पे टू अचीव समथिंग एक्सेप्शनल और क्वालिटेटिव। इफ यू जस्ट डू व्हाट एवरीवन एल्स इज डूइंग, अगर आप भी वही करते रहे जो सारी दुनिया कर रही है, मीडियोक्रिटी जो कर रही है, मीडियोकर्स कर रहे हैं, देन बाय डेफिनेशन यू आर जस्ट एन एवरेज। तो हमें एवरेज नहीं बनना है, हमने एवरेज से आगे जाना है। अभी हम थोड़ा मुरली के पॉइंट ले लेते हैं आज के, ये भी बहुत जरूरी है। भगवान हमें जो मुरली सुना रहे हैं उसके मुख्य पॉइंट आज क्या रहे, उसके बाद हम कल जो है इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, बाबा आज हमें कह रहे हैं, अपने को आत्मा समझ के पहले ये मुरली सुनो, मैं आत्मा परमात्मा से सुन रही हूँ, ये भगवान की इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस मुझे मिल रही हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को, तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, जैसे पारा चढ़ता है ना, ऐसे खुशी का पारा हमें चढ़ा रहना चाहिए कि परम पिता परमात्मा गॉडली नॉलेज के द्वारा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, ज्ञान के रत्नों से, गुणों के मोतियों से। हर समय रूहानी खुमारी चढ़ी रहनी चाहिए, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। इस समय हम ब्राह्मण कुल के बच्चे हैं, अब हम ब्राह्मण वृत्ति वाले बन गए हैं, पहले शूद्र कुल के थे। ये वो जाति के ब्राह्मण जाति के शूद्र की बात नहीं है, ये कर्म के ब्राह्मण कर्म के शूद्र की बात है। ईश्वरीय ज्ञान एवं सहज राजयोग द्वारा शूद्र से ब्राह्मण बन गए हैं, भविष्य में हम दैवी कुल के बन जाएंगे। अभी हम आसुरी गोद से ईश्वरी गोद में आ गए हैं। फिर भी कई बच्चे जैसे ना गोद में बच्चों को लेते हैं, तो कई बच्चे जो है गोद छोड़ के भाग जाते हैं, तो कई बच्चे फिर ईश्वरी गोद से निकल के आसुरी गोद में चले जाते हैं, रावण की गोद में चले जाते हैं, फिर विकारों में गिर जाते हैं, सजाएं बाव उनको फिर बहुत मिलती हैं। ईश्वर का फरमान है मन वचन कर्म से पवित्र बनना है, विकारों से स्वयं को बचाना है, प्रभु पिता की कभी अवज्ञा नहीं करनी है, फ्लॉलेस डायमंड बनना है, बेदाग हीरा बनना है। क्योंकि अगर हीरे में दाग होता है तो कीमत बहुत कम हो जाती है। ये खुदा का बगीचा है, भगवान का बगीचा है, तुम्हें खुशबूदार फूल बनना है, वही बागवान है इस सृष्टि का, हमें खुशबूदार फूल बनना है। शिव बाबा है चैतन्य ज्ञान का सागर, वो ज्ञान का सागर है, ओशन ऑफ नॉलेज। तुम हो चैतन्य ज्ञान गंगाएं, शिव की जटाओं से गंगा निकली, वो गंगा कौन सी है? ये माताएं बहनें जो सारी दुनिया को पवित्र बना रही हैं, ये चेतन ज्ञान गंगाएं हैं। एक होती गंगा पानी की गंगा, उसमें जाके स्नान करते हैं, महात्मा भी उसमें स्नान करते हैं कि हम पावन हो जाएं, बड़े बड़े तपस्वी भी उसमें स्नान करते हैं कि हम पावन हो जाएं, लेकिन सच में पावन तो हम होंगे ज्ञान की गंगा में स्नान करने से। यही ज्ञान गंगा आत्माओं को पावन बनाती है। फिर बाबा ने कहा बच्चे किसी को संकल्प में भी दुख नहीं देना है, दुख देने की सोचना भी नहीं है संकल्प में भी। अगर हम क्रोध करते हैं, किसी को तंग करते हैं, तो ये तो एक तरह से अपने पिता का नाम बदनाम करते हैं। हमारा पिता तो शांति का सुख का सागर है, वो कभी किसी को दुख नहीं देता। ऐसा काम करेंगे हम किसी को दुख देंगे पीड़ा देंगे तो हमें भी सजा खानी पड़ेगी। तो कभी भी हमें उल्टा कर्म रॉन्ग कर्म नहीं करना है। जो सेवा करते हैं बच्चे शिव बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं, जो अन्य आत्माओं को भी सही राह दिखाते हैं, बाबा को बहुत प्यारे हैं वो। ऐसे बच्चों के लिए शिव बाबा के दिल से भी आशीर्वाद निकलती है, पवित्र फूल बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। जो बच्चे विषय विकारों से परे हैं, पवित्र हैं, वो भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं। ईश्वरी ज्ञान से विकारों रूपी बीमारी बाहर निकलेगी। ये बाबा ने आज बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि जब ज्ञान में हम नहीं होते
विषय विकार सब चलते रहते हैं, हम पाप भी मोटे मोटे करते रहते हैं, फिर भी हमें लगता नहीं हमने कोई पाप किया है। हम लोग पाप करके भी बड़े खुश रहते हैं, लेकिन जब ज्ञान होता है तो हमें अपने संकल्पों में भी छोटी छोटी गलतियां भी दिखने लगती हैं। तो बाबा ने उदाहरण दिया कि पहले वैद्य लोग होते थे, दवाई देते थे, तो बीमारी जिसके लिए दवाई देते थे और भी कई बार बढ़ जाती थी। होम्योपैथी के अंदर भी ऐसे कई दवाइयां हैं, जैसे ही देते हैं तो और उग्र रूप हो जाता है, तो लगता है ये दवाई सूट नहीं की, जबकि वो सच में वही सूट करती है। उसके बाद कहते हैं अब ये बीमारी जड़ से निकल गई है। मुझे याद है मेरी माता जी को जो है खारिश की बीमारी थी, बहुत ज्यादा शरीर पे खारिश होती थी, तो होम्योपैथी में एक सल्फर होती दवाई, वो हमने दी तो उनके तो सारे शरीर के ऊपर दाने दाने निकल आए, तो हम लोग बहुत घबरा गए, लेकिन उसके बाद उनको बहुत आराम मिल गया। तो इसलिए कई बार बाबा कहते हैं ज्ञान जब मिलता है तो अंदर विकार जो है ना नाचने लगते, भागने लगते, इसलिए घबराना नहीं है। राम का बनेंगे तो रावण तुमको बहुत हैरान करेगा, जब परमपिता परमात्मा के बनेंगे तो जो हमारी आसुरी रावणीय वृत्तियां हैं वो हमें तंग करेंगी। कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि और पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। तो प्रीत बुद्धि किन की होती, जो पांडव हैं परमात्मा की तरफ उनकी बुद्धि होती है, विनाश काले पांडव जो कौरव हैं उनकी विपरीत बुद्धि होती, उल्टी चलती है। तो चेक करो हमारी प्रभु से प्रीत बुद्धि है या विपरीत बुद्धि है। प्रीत बुद्धि गॉडली सर्विस बहुत अच्छी करते हैं उसका। बाबा ने बताया प्रीत बुद्धि कौन है, जो ईश्वरीय सेवा बहुत करते हैं। सदैव ये स्मृति में रहे कि हर समय हर सेकंड हर कर्म करते हुए मैं स्टेज पर हूँ, है इसके बारे में थोड़ा सोचो। जब हम मंच पर होते हैं, मान लो आपकी स्पीच है, आपको सब दुनिया देख रही है, तो आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते। आपकी शूटिंग हो रही हो तो आप कोई भी अपनी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जो गलत हो। तो बाबा ने कहा अगर तुम समझोगे कि सारी दुनिया हमें देख रही है, मैं स्टेज के ऊपर हूँ, तो आपका हर कर्म पे अटेंशन होगा और आप संपूर्णता के स्टेज के निकट पहुँचेंगे। मिनिमम एरर्स होती हैं उसमें, गलतियाँ कम से कम। तो वर्तमान श्रेष्ठ होने से भविष्य भी श्रेष्ठ हो जाएगा। वर्तमान को पकड़ो, इस सेकंड को पकड़ो, अपना टाइम टेबल 24 घंटे का ऐसा बनाओ कि टाइम वेस्ट ना हो, कम से कम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बातें हों। जितना जितना स्थिति संपूर्णता के निकट होगी, जितना जितना कमियां हमारी दूर होंगी, उतना ही हम दूसरों के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर लेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब हमारा मन शांत होता है तो दूसरों के मन के अंदर क्या चल रहा है वो हमें पता लगने लगता है। ये एक तरह से सिद्धि होने लगती है कि आपके सामने जो आएगा उसके मन की बातें आपके मन में रिफ्लेक्ट होने लगेंगी। तो बाबा ने कहा जितना आपकी संपूर्णता स्टेज होगी, शांत स्टेज होगी, तो दूसरों के मन के जो संकल्प हैं, थॉट्स हैं, वो भी आप कैच करने लगेंगे। इसलिए व्यर्थ की इच्छाओं का त्याग करना है, फालतू की इच्छाएं अब नहीं रखनी चाहिए। जो मिनिमम डिजायर वाले लोग हैं या जिनकी मिनिमम नीड्स हैं और वो उतना ही रखते हैं। कई लोग मैंने देखा बहुत बड़ी बड़ी जो कोठियां बनाई कोरोना काल में, उनके सबके बड़े बुरे हाल हो रहे थे। क्यों? अब खुद करना पड़ रहा है। पहले तो नौकर चाकर थे वो सब घरों में चले गए, काम वाली को बुला नहीं सकते, तो बहुत बुरी हालत हुई। तो सबको लगा था उस वक्त कि इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए व्यर्थ की इच्छाओं का त्याग करना है तो सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव करेंगे। जहाँ प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है। आज बस इतना ही करेंगे, अभी कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, प्रश्न को हम ले सकते हैं अभी। इसको हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, ये बहुत सुंदर टॉपिक है, रेसिपी फॉर क्वालिटी लाइफ। तो हम सबकी जिंदगी क्वालिटेटिवली सुपीरियर हो जाए, हम देवत्व की तरफ आगे बढ़े, हम सतोगुणी बने, श्रेष्ठ बने, ये परमपिता परमात्मा भी हमसे चाहता है। इसी भाव के साथ ये टॉपिक तैयार किया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
और किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। ओम शांति सर, ओम शांति सर, साउंड आ रहा है? ओम शांति। आज का गीत बहुत सुंदर लगा सभी को, बहुत आनंद आया। और उसी पर एक प्रश्न आया है कि आज का गीत बहुत सुंदर था, मजा आ गया, लेकिन सब बोझ उसको सौंप कर भी टेंशन फ्री नहीं हो पाते, इस पर गाइड करें। ऐसा है, हम लोगों को बोझ उठाने की आदत इतनी है, हम कह तो देते हैं हमने उठाया है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल यही है कि जैसे हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा है और उसने अपने सिर के ऊपर ही वो बोझ भी रखा हुआ है, वो ये समझ रहा है ये बोझ मैंने उठाया हुआ है, जबकि वो बोझ भी सबने उसको कहा भी सिर पे क्यों उठा रखा है, कहता है इसका मेरे पास टिकट नहीं है, मैंने अपना टिकट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी तरह से अपने बोझ को, बैठे ट्रेन में है लेकिन बोझ अपने सिर पे ही रखा हुआ है। ये कहना बड़ा आसान होता है कि हम सारा बोझ उसको दे दें, लेकिन हम दे नहीं पाते, ये सच्चाई है। और इसके लिए हमें बहुत निश्चय होना चाहिए, परमात्मा भी देखता है। एक है कथनी में कहना, आपने कह दिया सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, तो हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु तुम्हें मंजिल पे पहुंचा देंगे, सबका बोझ उठाने वाले तेरा भी बोझ उठा लेंगे। लेकिन हमने सौंपा कहाँ, मैं और मेरापन क्या समाप्त हो गया एक सेकंड में? मान लो अभी आपने कहा भगवान सब कुछ तेरा है, अगले ही क्षण मान लो कोई उसमें से कुछ लेने लगा तो पता लग जाएगा ये मेरा भगवान को दे दिया या नहीं दे दिया। तो हम लोग संकल्पों में तो कहते हैं लेकिन रियलिटी में वो होता नहीं है। तो जिस क्षण हमारा ये भाव होने लगेगा, हम वास्तव में ही अपने आप से मुक्त होने लगेंगे, तो उसके बाद जो है हमारा जीवन वाकई निश्चिंत हो जाएगा। जब कुछ है ही नहीं हमारा, आप मुझे तो एक चीज सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, क्या हम लोग अपना जो ये देह है, शरीर है, सबसे नजदीकी रिश्तेदार तो यही है ना, हम जब इसी को छोड़ नहीं पा रहे बाकी चीजें क्या छोड़ेंगे, अभी इसी से इतनी अटैचमेंट है। तो हमने ना तन दिया, ना मन दिया, ना धन दिया। जिस वक्त अष्टावक्र ने राजा जनक को कहा कि हे राजा जनक, ये तन, ये मन, ये धन मुझे दे दे, तो घोड़े की रकाब से पैर रख के और घोड़े की पीठ पर बैठने तक में उसने कहा था मुझे ज्ञान होना चाहिए, अर्थात एक सेकंड कह लो या कुछ सेकंड कह लो। तो जब उसने कहा भी जो मैं कहूंगा वो करोगे, उसने कहा हाँ, कहते ये तन मुझे दे दो, मन मुझे दे दो, धन मुझे दे दो। तो जब वो घोड़े की रकाब पे पैर रखा और ऊपर चढ़ने लगे तो अष्टावक्र ने कहा राजा मन तो तूने मुझे दे दिया, किस मन से इसके ऊपर चढ़ रहे हो? तो राजा जनक की समाधि लग गई उसी क्षण, जब मन भी मेरा नहीं रहा तो मन क्या हो गया, अमन हो गया, मन अमन हो गया, और मन के अमन होते ही समाधि लग गई। ऐसे ही हम लोग भी जितने एक्सटेंट तक अपनी पकड़ छोड़ते जाएंगे, अपना लगाव छोड़ते जाएंगे, अपनी अटैचमेंट छोड़ते जाएंगे, जितना हम जीते जी मुक्ति का बोध अनुभव करने लगेंगे, इस तन से भी मोह हमारा समाप्त होने लगेगा। समझो हमने इस शरीर द्वारा जो काम करना था वो कर लिया, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा, पा लिया कि जो था पाना, काम क्या बाकी रहा। जब पूरा निशाना लग जाएगा
जैसे हम किसी ट्रेन पे बैठते हैं तो जिस वक्त ट्रेन पे बैठते हैं, ये बड़ा सुंदर उदाहरण है। जब आप माउंट आबू जाने के लिए दिल्ली से ट्रेन पे बैठते हैं तो उस वक्त सबसे ज्यादा आते सीट मिल जाए मेरे को, कहीं मेरी सीट पे कोई बैठा ना हो। मान लो आपकी सीट पे कोई बैठा हो तो आप फटाफट जाके कहोगे ये मेरी सीट है, ये देखो ये मेरे पास रिजर्वेशन है, आप यहाँ कैसे बैठे, उठो यहाँ से। तो आप उस सीट के लिए लड़ने भी लग जाते हैं और वहां सीट मिल जाती है। जैसे ही मंजिल आपकी निकट आती है, आबू रोड आती है, तो आप उसी सीट को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते। क्यों? लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, जिस चीज के लिए हमने बुक किया था वो लक्ष्य मिल गया। ये शरीर भी सीट है आत्मा की। जिस दिन हमारा वो परम पिता परमात्मा का आबू रोड आ जाएगा, अब्बा का आबू, तो फिर जो है हमारा ये सीट छोड़ने को मन करेगा। जैसे भारत में कितने ही महापुरुष हुए, वो कहते हैं हमारा काम बन गया, अभी शरीर रहने में, इस शरीर में रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे ही जिस दिन हमारा काम बन जाएगा तो तन मन धन सब तेरा हो जाएगा, सारे बोझ कोई रहेगा ही नहीं, मुक्ति बोध के सिवा कोई बोझ नहीं रहेगा। मुक्ति बोध होगा, सारे बोझ समाप्त हो जाएंगे, आनंद ही आनंद होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी, मौज ही मौज होगी। ये बोझ क्यों है? जैसे छोटा बच्चा है, उसके ऊपर कोई बोझ है? कितनी बार हंसता है वो? 300 400 बार रोज हंसता है। लेकिन हम बच्चे थोड़े बनते हैं, हम तो बाप के भी बाप बन जाते हैं। तो जब इतना हम करेंगे तो फिर कहाँ से हमें आनंद खुशी आएगी? तो उस बच्चे को देखो जिसने सब कुछ और अपना अस्तित्व भी अपने उसके ऊपर छोड़ रखा है, माँ बाप के ऊपर, वही उसकी रक्षा करते हैं। तो हम भी जब भगवान के गोद के बच्चे बन जाएंगे, आज भी जैसे बाबा ने कहा मेरी गोद में आके फिर जो है रावण की गोद में बीच बीच में कूद के चले जाते, तो भगवान की गोद में जाके बैठ जाएंगे तो सारा कुछ वो संभाल लेगा। लेकिन हम बैठे तो सही। ओम शांति।